पटेल को जमशेदपुर बड़ा बजरंग फुटबॉल क्लब के बीच दोनों ही टीम अपना टीम लिस्ट टीम फॉरवर्ड यहां से ले जाएंगे। बजरंग एफसी वर्सेस महाकाल रिटर्न टेलको जमशेदपुर, यही दोनों टीम अगले मुकाबले में। चलो तो अभी आया भी नहीं लग रहा ये देखो वहाँ तो जाना है बड़ा देखो डीसी चंडे लग गया हाँ ये भी तो ये 15 नंबर ही दिखा फिलहाल दोनों 15 नंबर की जर्सी पर याद रखिएगा ये कोई और नहीं दोनों सोरेन कटप्पा उर्फ सात नंबर की बात करें तो सुल्तान गोलकीपर में बबलू सोरेन तरुण महतो के जगह सौरभ वर्षीय रमा साई की बात करें तो तूफान नायक गोपाल दास इस प्रकार के टीम खिलाड़ी समावेश नारायण नायक ठीक गौरव मनोज महतो दो पर दूरू सोरेन 15 देवेंद्र सिंह 5 सुनील सिंह 9 विकास महतो 17 मंगल मार्टी 11 फुलसान सुबह सुबह के इस माहौल में एक गोल देखना जरूर चाहते हैं और ये चाहत को संपूर्ण रूप से कौन सी टीम और कौन से खिलाड़ी पूरी करती है। फिलहाल रमेश शाही इस वक्त जर्सी नंबर 10 9 को ड्रिबल करने की प्रयास थ्रो जीतने की कोशिश सफल भी हुआ फिर से रमेश शाही बाएं छोर से काउंटर के लिए जा सकती है छोटी सी पास दी 9 नंबर के लिए रमेश शाही 9 नंबर की बात करें तो लादूंगा 5 है आगे तूफान और यहां से क्रॉस लेकिन सामने बबलू सोरेन एक बड़े टीम के गोलकीपर पिछली तरफ पास किए महालीपुर दस के पास गेंद मिडफील्डर के लिए आती हुई मिडफील्डर ने मिस किया गेंद को और इसमें गोपाल 4 नंबर की पोशाक पे 11 तक गेंद सेंटर राइट बैक कॉर्नर के लिए और इन्होंने लंबी दूरी ठीक पास करी है यहां 10 नंबर मौजूद है कंट्रोल किया गेंद को लेकिन डिफेंडर पूरी तरह से आगे आ चुके थे। जर्सी नंबर 17 इस वक्त आपके पास फुलचांद जैसे खिलाड़ी है तो दोनों जैसे खिलाड़ी बाकी के खिलाड़ियों को यहाँ करना उचित वही होगा कि आपके टीम में बड़े और सीनियर खिलाड़ी हो तो उन तक गेंद ज्यादा से ज्यादा पास उनको दिया जाए ये सकारात्मक सोच होना चाहिए खासतौर पर महाली ब्रदर्स के लिए। राइट विंगर के क्षेत्र में गेंद जरूर महाली ब्रदर्स आगे बढ़ने की प्रयास पीछे की तरफ पास की फिर पीछे किए सेंटर फुलबैक आगे आ चुके थे। फिलहाल 9 में एरिया में सात रन करेंगे जी नहीं खिलाड़ी चेस्ट कंट्रोल किए रमेश शाही आगे भागेंगे जैसे ना बच्चे डिफेंडर रोकने का कोशिश रोकने में सफल भी होते हुए थोड़ा सा जोखिम लिए थे डिफेंडर के पास गेंद दुल्लू को देना चाहते थे लेकिन स्पेस नहीं वहां फिर से जैसे नंबर 5 के लिए रेफर हुई मैन टू मैन खेलने की कोशिश कट किए बट फिर से रमे साई अगली मुकाबला महाकाल रिटर्न टेलको बनाम बजरंग एफसी कहते आप विलंब ना करें तैयारी में जुटे रहे इस मुकाबले और इस मैच के बाद यकीनन आप मैदान में प्रवेश करेंगे। और ये फर्स्ट हाफ का मैच आप देख रहे हैं सौरभ एफसी रमेश साई और महाली ब्रदर्स सराई केला की टीम निरंतर अटैक कर रही है और यहाँ गोलकीपर को चकमा देने में काफी हद तक सफल भी हो गए थे जर्सी नंबर 5 कहना चाहेंगे तूफान नायक के नाम से जाने जाते हैं रहने वाले तो इटी हसा के शायद लेकिन क्या गजब के एंटीसिपेशन वहां हल्का सा पंच आया बबलू सोरेन का वरना
उन्हें भेदने में कोई कसर वहां बाकी नहीं छोड़ी गई थी तूफान के द्वारा, थम सा गया था वहां। फिलहाल अभी भी कोई तो दो ट्राई खरीद चुकी है बबलू सोरेन को, थोड़ा सा वहां बिजी करते हुए रमेश आई के खिलाड़ी, लेकिन रामालत पर आत्मविश्वास है रामालत दूर से, लेकिन बबलू पूरी तरह से वहां घुसते, मानना पड़ेगा गोपाल दास क्या कमाल का शॉट, नपा तुला एकदम अलबार को टारगेट किया था, लंबी पास के द्वारा दुलू, लेकिन बहुत जल्द गेंद पर से नियंत्रण को खोता हुआ दुलू, जिस प्रकार रेफरी स्ट्रगल करते हैं ये उन्हीं को पता होता है मैच के दरमियान खिलाड़ियों के साथ साथ रेफरी की जहन में कितनी प्रेशर होती है, आप भी होते तो आपको समझ में आता। क्या यहां बड़ी उपलब्धि जी नहीं बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात हो सकती है, ये मौका भी बनती नजर आ रही है, काफी लंबी स्पेस को पूरा करने के बाद 17 नंबर कंट्रोल किया है गेंद को, दो खिलाड़ियों के बीच अच्छी पासेस, लेकिन डिफेंडर की पहली नजर की दाद देनी होगी। फिलहाल इससे पहले कि गोपाल खुद करते तब तक सिटी आ चुकी थी और मैच का मतांतर यहां पर दुलू, एक बार फिर से सेकंड हाफ में कुछ आक्रमक तेवर, वाह वो कट चुका है और मटन वाले का कहना है कि आप लोग अपना लिस्ट बनाए थे, यानी कि मटन के लिए आप लोग दर्ज करवाए थे लिखवाए थे, तो मटन आपका रेडी है, वहां चले जाइए, इतना ही लस्सी कटिंग हो चुकी है। आप मोहाली बोर्डर्स की टीम यकीनन यहां पर काउंटर की दरों पे लगातार बढ़ावा देते हुए, लेकिन बॉल जीते थे लेकिन डिफेंडर मौजूद होंगे, लीजिए 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 और किस्मत का सहारा भी, ओपन चांस यहां रमेश साई, लाल का अभी भी मौका है लेकिन ये मौका बाहर हो चुका है। अभयदान महली वर्दस की टीम को, डिफेंडर के द्वारा बहुत बड़ी गलती हुई थी, मनोज महतो मिस किए थे वहां पर, वरना बहुत बड़ी गलती पकड़ी जाती वहां पर, किक जब आई तो सोचा कि यार थोड़ा सा साइड में किक करें, अच्छी मौका फिलहाल तो गवाई है रमेश साई। फिलहाल अभी भी ये वहां शफल भी हो पाए थे, लेकिन रेफरी महोदय भी मौजूद वहां पर अपने आप को बचाते हुए, विकास थोड़ा सा लेट टाइम की काया था, पहुंचे जरूर लेकिन डिजर्व किया वहां, जैसे आप किसी की तरफ पास किए हैं, यहां से गेंद टेकअप होती हुई दोनों के लिए, दोनों टप्पा खाने के बाद कंट्रोल किया गेंद को, फिर से क्या पर यहां सटीक देखने को मिलेगा, सटीक की थोड़ा सा पावर कम है और वहां पर गेंद अभी भी एक करने का कोई जगह नहीं, वरना गोल स्कोर की गुंजाइश करी जा सकती थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है ये भी मैच शायद ड्रॉ पर ही समाप्त होगी, गोल करने की प्रयास सर्वाधिक रमेश आई की टीम करी है, कर नहीं पाई ये बात अलग है, लंबी लंबी दूरी से या लेफ्ट साइड में मंगल पीछे की तरफ दोनों को खेला, अच्छी पास है, फिर से मौका पक सकता है, एकदम मिडिल पर सही पास मारते हुए और यहां से क्रॉस लगा और ये विश्वास से थोड़ा सा बाहर भी होता है, क्योंकि जर्सी नंबर 19 इंद्रजीत राव काफी दिनों के बाद
नजर आते हुए टीम में। वो थे नहीं, और आप हैं राम भैया जर्सी नंबर 5 त्रम्बेर सामना करेंगे कृष्णा डांगरे रामा साई के गोलकीपर छोटे कद काठी के हैं। क्या कुछ करेंगे कृष्णा, क्या कुछ करेंगे देवेंद्र डकमैन। फुल पंच खेदने में सफल गोलकीपर को और पाली ब्रदर्स की पहली बढ़त। जर्सी नंबर 4 गोपाल दास, वही जिन्होंने कमाल का शॉट करी थी रनिंग मैच में। हल्का सा पंच आया था गोलकीपर का, बट पॉलिटिक किक थी, पढ़ लिए थे बबलू लेकिन बीट हुए आखिरकार एक एक की बराबरी। तब्दील देखने को मिल रहा है, नारायण नायक इस समय गोलकीपिंग की पदभार को संभालेंगे और किक करेंगे कहीं ना कहीं डबल वन मंगल मारती, ये किक करेंगे। क्या कुछ करेंगे नारायण गोलकीपर और क्या कुछ करेंगे मंगल मारती शूटर। दूसरी शॉट अच्छी शॉट, कोई भी गोलकीपर के लिए यह शॉट बचाना नामुमकिन, एकदम
पोस्ट खूंटा से 4 इंच की गैप में 2 इंच की बढ़त है महाली ब्रदर्स के पास। अब 2-2 की बराबरी की गुंजाइश रमाई साई जरूर करेगी। आइए देखते हैं खुद किक करते हुए नारायण बाबू। अगर यहां गोल करती है तो महाली ब्रदर्स की जीत 3-1 पेनल्टी में।